आज 28 जुलाई है, दिन का करीब 1:15 का टाइम है, संडे का दिन है। मैं चंडीगढ़ में सेक्टर 36 में जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो ऑफिस है उसके कैंपस का ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें ये आपको दिखा रहा हूँ, पेड़ ऊपर तक दिखा रहा हूँ कि ऊपर से ये मर रहा है, ऊपर से टहनियाँ, किनारे पे टहनियाँ सूख रही है, थोड़ा बहुत हरा बचा है। और उसका कारण आप देख सकते हैं, नज़दीक से दिखा रहा हूँ, ये देखो ये बीमार हो रहा है और सूखने लग गया है, जिससे नई जड़ें नहीं चल रही हैं और उसका कारण चारों तरफ से पक्का है और बाकी फर्श पे टाइल लगी। इसको, इनकी जड़ों को फैलने के लिए कोई जगह नहीं है, नई जड़ें चल नहीं पा रही हैं, इसलिए इसको पूरी डाइट नहीं मिल रही है और डाइट नहीं मिलने से कमजोर होकर बीमार होने लग गया है और ऊपर तक सूखने लग गया है। अगर इसको समय रहते प्रॉपर, अगर ये देखो सूख रहा है, अगर प्रॉपर इसको स्पेस दिया जाए, इसके अंदर खाद दी जाए और इसको दवाई का ट्रीटमेंट किया जाए तो ये पेड़ बच सकता है। क्योंकि इतना बड़ा पेड़ करने में हमें कम से कम 15 साल लग जाते हैं। आज लगाएंगे तो 15 साल बाद इतना बड़ा पेड़ होगा। लगे हुए पेड़ को बचाना हमें इतना ही जरूरी है जितना हम नए पेड़ लगाते हैं। मैं अगला पेड़ दिखा रहा हूँ इसी कैंपस में, कैंपस के अंदर 2 पेड़ हैं। ये अगला पेड़ दिखा रहा हूँ, इसके साथ भी ये ऐसा ही है। और ये जहाँ तक मुझे पता चला है, ये देखो जो शहर में और सब जगह बिल्डिंग्स में मैं दिखा रहा हूँ वैसे ही यहाँ भी ये है। ये देखो, इसने पेड़ ने जो इसकी जड़ें फैलने के लिए, इसने देखो ये इसको तोड़ने की कोशिश की है। ये बढ़ना चाहता है लेकिन इसके बढ़ने की जगह नहीं है, क्योंकि पत्थर को कैसे तोड़े, फिर भी कोशिश की है। अगर ये जगह नरम होती, ये पत्थर नहीं होता, तो ये पेड़ ज़्यादा बढ़िया होता। इसकी इतनी अच्छी छाया ऊपर तक है देखो, और इसी से 5 कदम दूर धूप में चलो उसका टेम्परेचर में 7-8 डिग्री का फर्क है। यहाँ इतना ठंडक महसूस हो रही है। पेड़ अगर इस बिल्डिंग में पूरी इस तरीके से पेड़ मैनेज किया जाए कि धूप खुले में जो है वहाँ धूप ना लगे, तो इसका टेम्परेचर डाउन रहेगा, इस बिल्डिंग को एसी भी कम चलाना पड़ेगा। और खुशी की बात यह है कि यहाँ पाल साहब जो है, अवतार सिंह जी, उनसे जो यहाँ के होलसेल इंचार्ज है, उनसे मेरी बात हुई, उनको दोनों चीज़ मैंने दिखाई और उनने मुझे अश्योर किया कि ये गलती से हो गया और अगली बार आप 5-7 दिन में जब भी आएंगे इमीडिएट इनको हम तुड़वा देंगे और इस लेवल पे बनवा देंगे जिसमें उस और लेवल से नीचा, जिससे बाहर का पानी इसके अंदर जाए, और खाद भी डलवा देंगे जिससे खाद में फिर केंचुए हो जाएंगे, इसकी जड़ें आराम से फैलेंगी, बीमारी का ट्रीटमेंट कराएंगे जिससे पेड़ बचे और ये पेड़ हरे भरे होंगे और फलेंगे फूलेंगे। काश और ऑफिसों में भी इसी तरह आवाज़ को सुना जाता और पेड़ों को बचाया जाता, तो जितना हम हरियाली की करने की बातें कर रहे हैं और नया पेड़ लगाने की बातें कर रहे हैं, वन महोत्सव चला रहे हैं, तो नए पुराने पेड़ों को बचाना भी उतना ही जरूरी है। और हमारा शहर, हमारा सारा देश हरा भरा हो, जिससे हम सब शुद्ध हवा मिले और स्वस्थ रहें। धन्यवाद दोस्तों।